हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आपकी आज की इस क्लास में वेलकम करता हूं और ऑली बोर्ड में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। जो एक मॉक टेस्ट लाइव हुआ था लास्ट सैटरडे और संडे को, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और आज अपन उसी मॉक टेस्ट का यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपका 10 और 11 सितंबर को सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट लाइव था एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर वन का। तो आज उसका अपन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे सारे क्वांट के क्वेश्चन का, कि क्या उनका बेस्ट तरीका है, कैसे आपको वो सारे क्वेश्चंस को करना है। और अगर आप अपनी तैयारी ऑली बोर्ड के साथ करना चाहते हैं और मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑली बोर्ड एसएससी सीजीएल 2022 का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बैच है जहाँ पे आपको एकदम बेसिक टू हाई लेवल आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहाँ पे अगर कोड यूज़ करेंगे सौरभ, तो इस बैच में आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी ज़्यादा ऑफ रहेगा, करीब 45% का ऑफ आपको इस बैच में मिलेगा बाय यूजिंग कोड सौरभ। तो आप फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल का ज्वाइन कर सकते हैं। 14 सितंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है और शानदार तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल क्लासेस इसमें चलने वाली हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि करके क्वेश्चन, सारे 25 क्वेश्चंस अपन देखेंगे और उनका बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है, उनको जल्दी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सारी चीजें देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बार ग्राफ का है। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 सेमिनार। ये बार ग्राफ है जिसमें की नंबर ऑफ गर्ल्स ब्लू ऑरेंज कलर से दिखाया है और नंबर ऑफ बॉयज को ब्लू कलर से दिखाया है 5 सेमिनार में। आपका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सेमिनार 1 का, सेमिनार 2 का, सेमिनार 3 का, सेमिनार 4 का और सेमिनार 5 का, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का। आपसे पूछा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 सेमिनार्स टुगेदर, पांचों सेमिनार में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो आप सभी को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में 180 गर्ल्स है, यहाँ पे 350 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 180 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 200 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 250 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो 180 प्लस 180 360 होता है, 360 में 350 जोड़ेंगे तो 710 होता है, 710 में 200 जोड़ेंगे तो 910 होगा और ये आपका 1160 हो जाएगा। तो टोटल गर्ल्स आपकी कितनी हो जाएंगी, टोटल गर्ल्स आपने जोड़ दिया फटाक से 1160 और इसका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए 5 सेमिनार थे, तो 5 सेमिनार हैं तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 232 आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी एवरेज ऑल 5 सेमिनार्स में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बोला है एबीसी, साइड बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी एंड एंगल बी इज 54 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज 130 डिग्री। इफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। ठीक है, देखिये, तो इसका अगर हम देखें तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। एक ट्रायंगल है आप सभी के सामने ए बी और सी, है ना, जिसमें बी सी को एक्सटेंड किया गया डी पॉइंट तक और इसमें एंगल बी जो है आपका दिया हुआ है 54 डिग्रीज। क्लियर, और जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी आपका एंगल है 130 डिग्री। आपसे बोला है अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे कट करते हैं तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का सवाल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे बी एंगल है और ये एंगल है आपका ए, तो आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, यानी एंगल ए प्लस आपका 54 डिग्री, एंगल ए सी डी कितना है 130 डिग्री के बराबर। तो यहां से एंगल ए हमें कितना मिल गया, एंगल ए हमें यहां पे मिल गया 76 डिग्री के बराबर। क्लियर, तो यहां पे ये कितना आ गया 76 डिग्री, क्योंकि 76 प्लस 54 130 होना चाहिए था, है ना, और ये आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे और इसको हम कहते हैं इन सेंटर पॉइंट, इन सेंटर पॉइंट। तो एंगल बी ओ सी का फॉर्मूला होता है आपका, अगर यहाँ पे बी ओ सी निकालना है तो ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू के बराबर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री प्लस आपका यहाँ पे 37, कितना आएगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16, सॉरी, तो ये आएगा 128 डिग्रीज के बराबर। क्लियर, तो आंसर कितना आ गया
128 डिग्री। बी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? तो सारे आसान आसान से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से सवाल थे, कुछ भी ऐसा नहीं है इनमें बहुत टफ। देखेंगे अगला सवाल। बोला पाइप कैन फिल अ टैंक इन 28 आवर्स, ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 32 आवर्स। इफ द टैंक इज 50% फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, बोला है कि आपकी एक पाइप है, तो मान लिया मैंने ए पाइप है और टैंक को वो 28 आवर्स में फिल करती है, तो यही आपकी कैपेसिटी हो गई, ए इंटू 28 टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब लीकेज है, तो मान लो एक लीकेज वाली पाइप है बी पाइप, तो ए माइनस बी टोटल एफिशिएंसी हो गई, और वहां पे अगर लीकेज पाइप है तो उस कारण से टैंक कितने देर में फिल हो रहा है, 32 आवर्स में। ठीक है, पहले ए पाइप 28 आवर्स में फिल कर रही थी, बी लीकेज वाली पाइप ऑन हो गई, तो अब इनकी टोटल एफिशिएंसी ए माइनस बी हो गई, और उस कंडीशन में टैंक 32 आवर्स में फिल कर रहा है ना, फिल हो रहा है। तो बोला अगर टैंक 50% फुल है तो लीकेज पाइप कितने देर में खाली करेगी, तो बस यहां से हमें आपका क्या मिल जाएगा, यहां से इनका एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, यहां से आएगा 7a = 8a - 8b, यहां से आपका आ जाएगा 8b = a, यहां से a और b पाइप का जो एफिशिएंसी रेशियो आएगा वो 8 से 1 का आएगा, ये इनका एफिशिएंसी रेशियो आ गया। ये लीकेज पाइप है तो आप माइनस 1 बोल सकते हो कि ये पानी निकाल रही है और ये पानी फिल कर रही है। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, ए इंटू 28, तो ए का एफिशिएंसी 8 है और ये हो गई टैंक की ओवरऑल कैपेसिटी। ठीक है, अब हाफ ऑफ कैपेसिटी, बोला है कि अगर टैंक 50% फुल है यानी 4 इंटू 28, अगर टैंक हाफ फुल है तो बी वाली पाइप कितने देर में टैंक को एम्प्टी करेगी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, 28 फोर जा कितना होता है आपका, 8 4 जा 32, और 112 आवर्स। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे, 112 घंटे बी वाली पाइप को लगेंगे आपका 50% टैंक को खाली करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी ये आ गई उसका 50% 4 इंटू 28, बी की एफिशिएंसी 1 की है तो टाइम 112 आवर्स का लग जाएगा। बहुत आसान से सारा मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका इनका बताते जा रहा हूँ, एकदम आसान आसान से सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बाकी आपके आंसर्स आते जाएंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड। एक आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी मान लीजिए लेंथ एल है, ब्रिथ बी है, और इसकी लेंथ जो है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के बराबर है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल लेंथ के बराबर है रेक्टेंगल के। बोला फोर टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका 4 टाइम्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, यही होगा 4 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से कितना आएगा, 8l + 8b, यहां से आएगा आपका 9l के बराबर, यानी कि यहां पे अगर 8l इधर ले जाओगे तो l बराबर कितना आ गया, 8b के बराबर आ गया, l इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ विड्थ आ गया। फिर बोला अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3200 है तो आप बताओ लेंथ कितना होगी रेक्टेंगुलर फील्ड के, तो लेंथ इंटू ब्रिथ क्या होगा, एरिया, जो कि दिया है 3200 के बराबर। ठीक है, तो यहां से लेंथ आपकी एल रखो, विड्थ हो जाएगी लेंथ का अपॉन 8 इज इक्वल टू 3200, यहां से एल स्क्वायर हो जाएगा, 8 इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 2 जा 16, ये है हो जाएगा 256 00, यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 16 का स्क्वायर है और 006 दे देगा, तो 160 सेंटीमीटर कितना आएगा लेंथ, 160 मीटर, जो भी यूनिट दी है, मीटर दी हुई थी तो मीटर ले लेंगे, है ना, स्क्वायर मीटर में एरिया था तो मीटर हो जाएगा आपका, स्क्वायर मीटर में एरिया था तो यूनिट भी मीटर में हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर था। क्लियर, तो देखिए आसानी से आ गया, इजी सा क्वेश्चन था अपना, है ना, जल्दी से हमने इसका आंसर देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है एवरेज ऑफ 39 23 41 52 a and b is 35। ठीक है, 6 नंबर्स का एवरेज 35 दिया है, और 41 49 39 55 सी एंड डी का एवरेज 37 दिया है। आपको बोला है एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी का आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो इन सभी को जोड़ दो, 4 5 4 9 2 11 3 11 3 आपका कितना हो गया, 11 3 14, और 9 3 12 1 13 2 15, तो ये हो गया 155, और प्लस ए प्लस बी
है ना, टोटल 6 नंबर से, और इनका एवरेज कितना है 35 के बराबर। यहां से आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 6 3 18, 6 5 30, यानी कि आपका 210 में आपको माइनस करना है 155, कितना आएगा यहाँ पे तुम्हारा 55 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 55 के बराबर। फिर बोला है इनका एवरेज 37 है, इनका सम कितना है, इनका सम कितना है 90 और 9 8 17, है ना, और 9 5 14, तो तुम्हारा कितना हो गया इनका सम, तुम्हारा यहाँ पे 184 के बराबर, कितना हो गया 184। और 184 में तुम सी और डी जोड़ोगे और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो नया आपका एवरेज 37 मिलेगा। यहां से सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 7 42, 6 3 18, 18 4 22, 222 में 184 माइनस कर दो, तो यहां से सी प्लस डी की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी आएगी 8 4 12, और यहां पे तुम्हारा आ जाएगा 3, कितना आएगा 38 के बराबर। तो C प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई, 38। अब आपको इन्हीं का एलसीएम निकालना है, चारों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। A B प्लस C प्लस D, आपको इन फोर का एवरेज निकालना है। 55 प्लस 38, 8 5 13, 5 3 8 1 9, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8, 4 3 12, और 23.25, ये आपका एवरेज आ जाएगा 23.25। क्लियर? तो ये भी आसान सा सवाल था, एकदम बढ़िया सा, कुछ भी नहीं करना था हमें इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 120 ml मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल इन द रेशियो ऑफ 4:3 मिक्स्ड विद 960 ml मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल इन द रेशियो 5:7, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो देखो एक मिक्सचर है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन है, पेट्रोल और केरोसिन है, पेट्रोल इसमें कितना है 4 है और केरोसिन 3 है, और इनका टोटल सम 7, तो यहां पे इनकी वैल्यू 120 ml दी हुई है, 1120 ml दी है। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि पहले वाले मिक्सचर में पेट्रोल और केरोसिन कितना रहा होगा, 7 से इसको काटोगे, 7 की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, 1120 दी है, कितने टाइम्स है, 7 1 7 और 7 6 42, 160 टाइम्स है, यानी कि पहले वाले कंटेनर में जो पेट्रोल रहा होगा ये रहा होगा 640 ml, और दूसरे वाले में मतलब पहले वाले में केरोसिन कितना रहा होगा, 16 3 48, 480 ml केरोसिन रहा होगा। क्लियर? अच्छा अब देखो सेकंड कंटेनर की बात कर रहा, सेकंड कंटेनर में पेट्रोल से केरोसिन का रेशियो 5:7 का है, और इनका जो टोटल वैल्यू है, इनका जो टोटल वैल्यू है वो दी है 960 ml, है ना, तो ये 12 8 96 है, तो ये कितने टाइम्स है, 80 टाइम्स है, 12 8 96 है, तो यहाँ पे ये 12 की वैल्यू 960 ml है, यानी 80 टाइम्स है, यानी कि आपका सेकंड वाले में पेट्रोल रहा होगा कितना 400 ml, और आपका जो केरोसिन रहा होगा वो 560 ml रहा होगा। तो यहां से इनका टोटल अगर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 8 6 14, 5 4 9 1 10, 1040 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे केरोसिन, और यहाँ पे 1040 आपका क्या आ जाएगा पेट्रोल, यानी कि इनका रेशियो कितना बन गया, 1:1 बन गया। तो यहाँ पे मिक्सचर ऐड करने पर नया रेशियो क्या बनेगा पेट्रोल और केरोसिन का, 1:1 आपका बन जाएगा न्यू रेशियो। क्लियर? अगला सवाल, सेवेंथ क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बतानी है, सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। 2 sin²a - 1 upon cos a - sin a + sin a आपका दिया था। इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग के अलावा, छोटा सा सवाल है तो बिना वैल्यू पुटिंग के आप नॉर्मल तरीके से इसको कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 sin²a - 1, यहाँ पे आपका साइन ए कॉस ए बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? और नीचे क्या बचेगा आपका, कॉस ए माइनस साइन ए, ये बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर? अच्छा यहां पे अगर देखो तो 2 sin²a - sin² कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस वन, ये प्लस साइन ए कॉस ए बनेगा। ठीक है, साइन ए कॉस ए बनेगा, और नीचे में क्या बनेगा, कॉस ए आपका माइनस साइन। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, 1 - sin² कॉस स्क्वायर ए होता है, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और यहां से अगर आप कॉस ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। क्लियर है? तो यहां पे मैंने क्या किया, 1 - sin² a को
यहाँ पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और फिर कॉस ए हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों को अगर काटोगे तो देखो यहाँ पे आपका इन दो इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट है, यानी आंसर आपका माइनस कॉस ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ कॉस ए के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो दो तीन स्टेप में ये नॉर्मल मेथड से हो जाता, बार बार वैल्यू पुटिंग करके चेक करने की यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब अगला सवाल बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फूट क्यू एंड एस ऑफ टू ट्रीज पी एंड क्यू एंड आर एस इज 20√3 meters इफ हाइट ऑफ बोथ द ट्रीज इज सेम एंड फ्रॉम अ पॉइंट ए इन लाइन क्यू एस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्रीज आर 30° एंड 60° रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो ऐसा कुछ आपका फिगर यहाँ पे बनेगा। बोला है आपका पी क्यू एक ट्री है और आर एस एक ट्री है और इनकी हाइट बोला है बराबर है, तो मैंने बोला इनकी हाइट आपकी बराबर है और पॉइंट ए है ए ग्राउंड में, क्यू एस आपका क्या है, क्यू एस उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और जो कि दी हुई है 20√3 meters के बराबर है ना, 20√3 meters के बराबर उन दोनों पेड़ों के बीच की डिस्टेंस है और ए एक ऐसा पॉइंट है कि उनके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60° बन रहा। क्लियर है? तो ये अगर 30° है तो ये तुम्हारा 60° होगा, तो अगर 30 के सामने की साइड 1 है तो 60 के सामने की साइड √3 होगी। उसी तरह अगर 60 के सामने की साइड 1 है तो ये एंगल आपका 30° होगा, तो 30 के सामने की साइड होगी 1/√3। क्लियर? तो यहां से आपका √3 प्लस 1/√3 की जो वैल्यू है वो 20√3 meters दी हुई है, यानी 1 ये कितना आएगा, ये आएगा 4/√3, इसकी वैल्यू दी है 20√3 meters। तो यहां से 1 unit की वैल्यू कितनी आ गई, 1 unit की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखो 4 से ये तुम्हारा 5 बार जाएगा, √3 3 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये 15 meters आ गया। 1 unit की वैल्यू आपकी 15 meters आ गई, यानी कि आपका 15 meters ही आपके पेड़ों की लंबाई है, दोनों पेड़ों की लंबाई इक्वल है और 15 meters की है। 1 unit की वैल्यू हमारी यहाँ पे 15 meters आ गई। क्लियर है? तो आसान सा सवाल था, आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है अगर उसका आपका एंगल 60° 30° और 90° का रेशियो उनके बीच में बन रहा, तो उनका रेशियो 1/√3 to 2 का हुआ करता है। ठीक है, उनकी साइड का रेशियो 1/√3 to 2 का चला करता है। अगला सवाल, अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बॉड मास रूल का, इसमें बॉड मास रूल का ख्याल रख करके हमें सवालों को करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला सवाल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ माइनस से अलग कर लो और सवाल में यहाँ पे प्लस है तो इनका ध्यान दे लेना। पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 10 into 3, फिर यहाँ पे आपका 10 पहले ऑफ सॉल्व होगा 10 into 20 और डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो उसके बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। ठीक है, पहले ये सॉल्व करोगे तो 10 into 20 हो जाएगा और जब भी कभी डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखोगे तो उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखना होता है। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाई अब अंदर आएगा 12। यहां पे देखो पहले ऑफ सॉल्व होगा 9 8 जा 72, पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ सॉल्व होगा तो 6 into 8। ठीक है, तो 9 8 जा पहले क्या आएगा 72 और डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही 72 उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है 6 divided by 6 into 6, कितना आएगा यहाँ पे, केवल 6 आएगा, है ना, 6 divided by 6 1 multiplied by 6, बस थोड़ा बहुत काट दो, 10 से ये 2 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो 8 9 जा 72 बनेगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 12 में 6 गया, कितना गया 6 और 6 plus 1/3 बचा, यहाँ से आएगा 3 divided by कितना आएगा 6 3 18 1 19 19/3। फिर से वही काम करो, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में तो उसके बाद वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, यानी 9/6 3 12 और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2/3 था ना, ये 2/3 बच रहा था, ये 2/3 था तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 2/3 बच रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2/3, तो ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 20, यानी 9/20। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सवाल का आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको करना है, बॉड मास का रूल लगाना है, सिंपल सा ध्यान रखना है जितनी भी मैंने चीज बताई है ना। चलो अगला सवाल, ये सेमिनार वाला फिर से सवाल है, नंबर ऑफ द बॉयज इन सेमिनार S6 इज 30% मोर देन दैट इन सेमिनार S2,
The ratio of total number of boys in seminar S1 and S6 to the total number of student in seminar S5 is, है ना? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सेमिनार वाला ग्राफ था उसमें 5 सेमिनार में आपके बॉयज और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ था पहले से, और इसमें बोला है कि आपका जो सेमिनार 6 है, आगे जो सेमिनार 6 हुआ होगा उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 30% ज्यादा है सेमिनार 2 के। तो सेमिनार 2 में बॉयज की संख्या कितनी है? 200 है। यानी कि आपका सेमिनार 6 में जो बॉयज हैं उनकी वैल्यू कितनी रही होगी? 200 का 30% ज्यादा, यानी कि 260 रही होगी। 200 का 30% 60 होता है, ठीक है। बोला है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेमिनार S1 एंड S6। S1 में बॉयज 300 है, तो सेमिनार S1 और S6 के जो बॉयज हैं उनका आपको रेशियो बताना है। किससे रेशियो बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेमिनार S5। तो सेमिनार S5 में बॉयज और गर्ल्स हैं 190 से 250। तो यहाँ पे S5 में कितने बच्चे हैं, S5 में कितने स्टूडेंट हैं, उनसे आपको रेशियो बताना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 300 प्लस 260 आएगा 560, और सेमिनार S5 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 9, 5, 14, 2, 1, 3, 440। कितने हैं? 440। तो रेशियो कितने का बनेगा? 4 × 4, 4 × 4, 16, 4 × 4, 14 से 11 का रेशियो बनेगा। कितना बनेगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 से 11 का रेशियो आपका क्वेश्चन में बनेगा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये वाला सवाल आप सभी के सामने, बोला था 2b इज इक्वल टू a प्लस c आपका दिया था, आपको a अपॉन a माइनस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी। याद रखिए हमेशा एलजेब्रा में और या तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, हर जगह पे ये कंसेप्ट लगता है कि अगर इक्वेशन सिंगल हो, अगर इक्वेशन सिंगल हो और वेरिएबल वेरिएबल एक से ज्यादा हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 1 है, केवल 2b प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस c, सिंगल इक्वेशन है। और अगर वेरिएबल यहाँ पे मोर देन 1 है, यानी b a c, ये क्या है? 3 वेरिएबल है, तो आप अपने मन से वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोल दिया पुट c इज इक्वल टू 0, मैंने c को 0 रख दिया तो 2b इज इक्वल टू a आ गया, ये पूरा हमारा 0 हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है a अपॉन a माइनस b की। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू रखूं तो ये आएगा, a की वैल्यू अगर मैं 2b रख दूं तो ये आएगा a अपॉन b, a की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2b रख दूं तो आएगा a अपॉन b, और यहां से देखो a अपॉन b कितना आ रहा है, 2 के बराबर, तो यहां भी ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। आंसर कितना हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। आंसर कितना हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। सिंपल सा है ना? तो जब भी मोर देन 1 वेरिएबल हो तो आप अपने मन से एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, टेन ए माइनस बी आपका √3 दिया हुआ था, टेन ए माइनस बी आपका √3 दिया हुआ था, और कोसेक बी आपका दिया हुआ था कितना? कोसेक बी आपका √2 के बराबर दिया था। यानी कि यहां से ए माइनस बी की वैल्यू पक्का कितनी रही होगी? 60 डिग्री रही होगी, और बी की वैल्यू रही होगी 45 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, बोला है ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड बी इज एन एक्यूट एंगल। बोला ए ऑब्ट्यूज एंगल है यानी 90 डिग्री से ज्यादा है, बी एक्यूट एंगल है, तो ए की वैल्यू बताइए। तो बस आगे आंसर, बी हमारा 45 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रही होगी? ये 45 डिग्री है तो ये हो गया 60 डिग्री, ए की वैल्यू रही होगी 105 डिग्री, और जो कि मोर देन 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल जब 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बोले व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 फॉर 3 right 1/2 years एट 10% पर एनम। 3.5 साल के लिए 10% के रेट से ₹68,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। 3.5 साल में 68,000 पर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? देखिए सिंपल सी बात है, अगर 10% की बात किया है तो पहले 3 साल तक तो 10 से 11 होता रहेगा अमाउंट, 10 से 11 होता रहेगा पहले 3 साल तक तो, और फिर आपका आधा साल दिया है, आधा साल में 10% का रेट कितना हो जाएगा? 5%। यानी कि बाकी के बचे हुए में कितना होगा रेशियो? 20 से 21 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 years है ना, 1/2 years में रेट भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5% हो जाएगा, यानी 1/20, यानी कोई चीज 20 से 21 होगी,
तो यहां से ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया तुम्हारा 20,000, ये हो गया तुम्हारा 20,000। यहाँ पे देखो 11 का क्यूब होता है 1331, उसमें 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 जा 63 और 265, 21 3 जा 63 568 और 21 1 जा 21 और 6 कितना होगा 27। तो यहाँ पे अगर ये कह दो कि प्रिंसिपल 20,000 होता तो अमाउंट 27,851 मिलता। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में वो दी है 68,000 के बराबर। कितनी दी है 68,000 के बराबर, तो ये कितने टाइम से, तीन जीरो काट दो, 20 से 68 काटोगे तो 20 3 60 जाएगा और 20 4 80 कितने टाइम से, 3/4 टाइम से। 1 की वैल्यू 20 68 को 3.4 टाइम्स काटेगा, यानी कि यहाँ पे मिलने वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा, जो 3.5 साल के लिए मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है 7851, उसमें आप 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे 0.4 है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें भी 0.4 होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे 0.4 है, बाकी जगह 0.2 0.6 0.8 है, यानी कि आपका आंसर होगा 27033.4, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमल कैलकुलेशन थी इस सवाल में, बस इतना आप कर लेते आसानी से आपका आंसर आ जाता, क्लियर है। तो ये आपका था, ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, ये आपका तीसरे साल का था, और ये आपका हाफ ईयर्स का था, हाफ ईयर्स का था, ठीक है, ये आपका हाफ ईयर्स का था, क्लियर। चलो अगला सवाल, अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम एट अ गेन ऑफ 30% एंड शिवम सोल्ड इट टू हर्षिता एट अ लॉस ऑफ 15%। हर्षिता पेड रुपीज 2210 फॉर इट, हाउ मच डिड अनुज पे फॉर द वॉच। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिएगा, अनुज ने वॉच को बेचा शिवम को 30% के प्रॉफिट पे। तो मान लो अनुज ने वो वॉच 100 में खरीदा और अनुज ने शिवम को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, यानी 130 में, एंड शिवम ने हर्षिता को बेच दिया 15% के लॉस पे। तो 130 का 15% कितना हो जाएगा, 13 13 6 19 19.5, यानी कि आपका 19.5, यानी कि यहाँ पे 110.5 में हर्षिता ने वॉच को खरीदा। ठीक है, शिवम ने कितने में बेचा, यहाँ पे 15% के लॉस पे, तो 130 का 15% कितना होता है, 19.5 होता है, क्लियर। अच्छा बोला है हर्षिता ने अगर इस वॉच के लिए पे किया है 2210 रुपीज, यानी कितना टाइम्स पे किया है, 20 टाइम्स यहाँ पे अगर पे किया है, तो ये बताइए कि आपने अनुज ने कितने में वॉच खरीदी होगी। तो अनुज ने भी 20 टाइम्स 100 का 20 टाइम्स 2000 रुपीज में वॉच को खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी, 2000 रुपीज में अनुज ने वॉच को खरीदी होगी, क्लियर है। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पे आप देख लो 15% का यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे आपका 30% का प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी, माइंड कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, आपका माइंड कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन में दिया था आपका एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर 9, ये दिया था आपको, और यहाँ से एक्स इंटू वाई की वैल्यू दी हुई थी 2√3, आपसे एक्स क्यूब प्लस 3√3y³ आपसे पूछा है, यानी कि हमें ये तो पता चल रहा है कि एक्स प्लस रूट थ्री वाई का यहाँ पे ये होल क्यूब टाइप लिख रहा है, एक्स क्यूब और 3√3y³, क्लियर है। तो आप यहाँ पे बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस रूट थ्री एक्स प्लस यहाँ पे देखूं अगर इसको निकालने का, तो इसका सीधे आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, सीधे आइडेंटिटी लिखूंगा, अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3√3y³ निकालना है, तो ये किसके बराबर रहा होगा, एक्स प्लस रूट थ्री वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस रूट थ्री वाई का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3√3xy और अंदर में एक्स प्लस रूट थ्री वाई, यही बनेगी आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर लिख दूं आपके लिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी के बराबर, ये होती है आइडेंटिटी। वही आइडेंटिटी का यूज मैंने यहाँ पे किया है डायरेक्ट लिख करके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 9, 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ पे देखो एक्स वाई 2√3 है, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18, एक्स वाई की वैल्यू 2√3 रख दो और ये दिया है 19।
18 नाइंजा कितना होता है 162 और ये कितना है तुम्हारा 729। आंसर कितना आएगा, 9 में 2 गए 7, एक ही ऑप्शन है जहां पे 7 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो सीधा सा आंसर आ गया 567। एक ही ऑप्शन है जहां पे यूनिट डिजिट में 7 आ रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको भी एक लाइन में सवाल को खत्म कर सकते थे, बसरते आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, है ना। चलो, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल, है ना, एट अ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ एंगल APB इज 88 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल AOB। तो एक पहले सर्कल बना लो, ये हमने बनाया सर्कल, बोला इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आपका क्या डाला गया है, टेंजेंट डाला गया है A और B। तो ये मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, वहां से मैंने दो टेंजेंट डाल दिए, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, ये पॉइंट P से टेंजेंट डाला गया A और B डाल दिया। ये सर्कल का सेंटर है O, यहां से अगर देखें तो ये सर्कल का सेंटर है O। हमेशा टेंजेंट और रेडियस क्या बनाते हैं, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, और ये सेंटर A O हो गया। अब APB ये वाला पूरा एंगल तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 88 डिग्री दिया है, तो तुमसे पूछा है कि आपका ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपको पता करना है, ठीक है, AOP एंगल आपको पता करना है, ये एंगल पूरा कितना दिया हुआ है तुम्हारा 88। बात को समझना, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। यहां पे अगर देखो तो यहां पे आपको ये पता है कि टेंजेंट AP BP के बराबर होगा, AP जो है वो BP के बराबर होगा, सेम पॉइंट सिंगल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। अगर आप देखो तो ये आपकी रेडियस है और ये कॉमन लाइन है, यानी कि आपके ये AOP ट्रायंगल OBP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि अगर ये 88 एंगल है तो ये एंगल 44 होगा और ये एंगल 44 होगा, क्लियर है, वो इक्वली डिवाइड होगा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 46 डिग्री, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस 44 46 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस 44 46 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल, बोला है अमित गॉट 81% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड नितिन गॉट 72% मार्क्स इन द सेम एग्जामिनेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित एंड नितिन इज 117 देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नितिन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, बोला है उनके मार्क्स का डिफरेंस 117 दिया है, तो नितिन ने कितने मार्क्स एग्जामिनेशन में पाए हैं ये बताना है। अमित 81% पाया है, नितिन 72, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर अमित ने 81% पाया है और नितिन ने अगर पाया है 72, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 9% का, और 9% का डिफरेंस आपको 117 मार्क्स है, तो 1% आपका कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 13 मार्क्स के बराबर, और आपको बोला है कि नितिन ने कितने नंबर पाया, तो नितिन ने 72 नंबर पाया, तो 13 गुणे 72 नितिन के नंबर हो जाएंगे, 13 दूनी 26, एक देखो कोई ऑप्शन है आपका, है ना, और 13 सत्ते 91 2 93, यानी कि 936 नंबर नितिन ने पाए, कितने नंबर पाए नितिन ने, 936 नंबर नितिन ने यहाँ पे पाए, 936 मार्क्स यहाँ पे नितिन ने पाए। उसी तरह आप अमित का भी निकाल सकते थे यहाँ पे, है ना, 13 का मल्टीप्लाई 81 से कर देते तो अमित के मार्क्स आ जाते। चलिए, आसान आसान से सवाल है, बड़े फर्जी से सवाल है ना, सारे आसान है एकदम, 50 में 50 लाइक, ये लाइव मॉक टेस्ट है, एकदम इजी सा है ना। देखो, बोला है बाई सेलिंग अ शर्ट एट 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, 3/4 ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि अगर मैं मार्क्ड प्राइस को यहाँ पे 40 मानू तो उसको सेल कितने में किया गया, 30 में किया गया, ठीक है, मार्क्ड प्राइस का 3/4 पे सेल किया गया। बाई सेलिंग अ सेट एट 3/4 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 3/4 पे मार्क्ड प्राइस पे बेचने पर आपको 25% का प्रॉफिट होता है, मार्क्ड प्राइस से सीपी का रेशियो बताना है। तो मैंने 4 है तो 40 मार्क्ड प्राइस लिया, यानी 30 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आपका 25% का है, प्रॉफिट आपका 25% का है, यानी कोई चीज 4 की है आप उसको 5 में बेच रहे हो, और 5 की वैल्यू यहाँ पे 30 है, यानी कि यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा 24, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा
25% का प्रॉफिट क्या होता है, 4 की चीज 5 में बेचना, है ना। तो यानी कि 5 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 24। तो यहां से मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो 40 से आपका 24 का, यानी कि 4 छंग 24, 4 दहम 40, ये आपका 5 से 3 का आ जाएगा। कितना आएगा, 5 से 3 का रेशियो आएगा, 5 से 3 का रेशियो आएगा मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस का। ये भी ध्यान देना, कई बार गलती होती है, देखो सी ऑप्शन 3 से 5 है ना, 3 से 5 ये सीपी से एमपी का है, क्वेश्चन में आपसे मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस का पूछा है, ठीक है, तो किसका रेशियो पूछा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार छोटी सी गलती हो जाती है हमसे। अगला सवाल पाई चार्ट का, ये जो पाई चार्ट दिया है ये आपका पूरे 5 मंथ्स में एक प्लेयर ने कितने गोल करे हैं उसका दिया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्लेयर है जो कि आपका जनवरी से लेकर के मई तक फुटबॉल खेलता है और वो टोटल 50 गोल्स करता है, लेकिन हर महीने वो कितने गोल किया है आपका, यहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि 5 मंथ में उसने कितने परसेंट गोल करे और ओवरऑल 5 मंथ्स में उसने 50 गोल्स करे थे, ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है इस सवाल में वो ये पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल गोल स्कोर्ड बाय हिम इन जनवरी मार्च एंड अप्रैल टुगेदर एंड टोटल गोल्स स्कोर्ड बाय हिम इन फेब एंड मई टुगेदर, है ना, डिफरेंस पूछा है जनवरी मार्च और अप्रैल में वो जो गोल किया और फरवरी और मई महीने में जो गोल किया उनके बीच का डिफरेंस। तो जनवरी आपका मार्च और अप्रैल कितना गोल किया, 18%, 12%, 30%, यानी कि 60% गोल किया उसने इन 3 महीनों में, और फेब और मई, फेब में 20%, मई में 20%, यानी कि फेब और मई में उसने 40% गोल किया, यानी कि उसका डिफरेंस कितना आया, 20%, और 20% ऑफ 50 कितना हो चाहे आपका 10 के बराबर, तो यानी कि 10 गोल्स आपका क्या आएगा डिफरेंस, 20% ऑफ 50 आपका कितना आ जाएगा, 10 गोल्स के बराबर, क्लियर, सिंपल सा एक लाइन का सवाल था, 20% डिफरेंस है, टोटल गोल्स 50 है तो 50 का 20% 10 के बराबर होता है, क्लियर। चल बोला है अ कार कवर्स अ जर्नी ऑफ 700 किलोमीटर इन 12 आवर्स, अ कार कवर्स अ जर्नी ऑफ 700 किलोमीटर इन 12 आवर्स, इफ 3/5 ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द रिमेनिंग जर्नी कंप्लीटेड, ठीक है, तो बहुत आसान सा ये भी सवाल है, बोला है 700 किलोमीटर की जर्नी 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, तो आपको टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ था, टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया था कि 12 आवर्स लग रहे हैं, फिर बोला है कि आपका जो 3/5 जर्नी थी उसने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करी, तो 700 का 3/5 कितना होता है, 700 का 3/5 कितना होता है, 5 × 5 और 5 × 20 14 × 3 = 48 कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर को बोला है कि वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे 8 आवर्स का समय लगेगा, 8 आवर्स का समय लगेगा, 5 × 5 = 14 × 3 = 42 सॉरी 7 आवर्स का समय लगेगा ना, ये 42 आएगा, माफ करना 42 आएगा, 420, ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 7 = 42 7 आवर्स का टाइम लगेगा, यानी कि 420 किलोमीटर 3/5 डिस्टेंस 420 किलोमीटर अगर कवर करने में यहाँ पे 7 आवर्स का टाइम लग गया, यानी कि बची हुई जो डिस्टेंस है, बची हुई आपकी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि 280 किलोमीटर है, उसके लिए आपका स्पीड कितना होना चाहिए, उसके लिए आपका स्पीड कितना होना चाहिए, तो भाई 7 आवर्स लग गए हैं, टोटल 12 आवर्स लगने चाहिए, यानी 5 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, यानी हमारी स्पीड होनी चाहिए कितना, 56 किलोमीटर पर आवर की, अब हमारी स्पीड होनी चाहिए 56 किलोमीटर पर आवर की, तभी अगले 5 आवर्स में बची हुई 280 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी, क्लियर, और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यही सवाल करना था, बहुत आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन था, टोटल टाइम दिया था, यहाँ पे पता चल गया कि भैया इतने में ही 7 आवर्स लग गए, 420 किलोमीटर में ही 7 आवर्स लग गए, तो 280 किलोमीटर को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो जाएगा। अगला सवाल बोला है एससीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 कितना होगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 को हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और x माइनस 5, ठीक है। और इसको अगर आप रेशनलाइज करके लिखेंगे तो 9 पन्नम 45 होता है, माइनस 9 और प्लस 5 बनेगा, माइनस 9 और प्लस 5 बनेगा, यानी कि आपका ये बनेगा x प्लस 5, 9 पन्नम 45, x प्लस 9 और x माइनस 5 क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस 5 बनेगा और x प्लस 9 बनेगा। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, x माइनस 5, x प्लस 9 बनेंगे, क्लियर है। फैक्टराइज करके देख लेना, फैक्टराइज करके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर हो वही एचसीएफ कहलाता है। भाई एचसीएफ अपने नाम से ही पता चल रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल x माइनस 5 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल x माइनस 5 है, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, दिमाग लगाना था, लेकिन ये भी बहुत आसान सा सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसको आप कर नहीं सकते थे, ठीक है, इजी सा होने वाला ये आपका सवाल था, ठीक है। चलिए, बोला है फॉर अ जिम सेटअप, क्या बोला है, फॉर अ जिम सेटअप थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड टुगेदर, पर्सन ए इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/x टाइम्स, पर्सन बी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2/x टाइम्स, एंड पर्सन सी इन्वेस्टेड रिमेनिंग अमाउंट फॉर होल टाइम इन अ प्रॉफिट ऑफ 5200, द शेयर ऑफ सी इज 3000, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक जिम सेटअप करना है, एक आपका जिम सेटअप करना है, तीन पार्टनर है ए बी और सी, ए वाले पार्टनर ने 1/4 पैसा इन्वेस्ट किया टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/x टाइम के लिए, बी वाले ने 1/3 पैसा इन्वेस्ट किया टोटल इन्वेस्टमेंट का 2/x टाइम्स के लिए, और सी ने रिमेनिंग अमाउंट पूरे होल टाइम, पूरे कंप्लीट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। टोटल प्रॉफिट अगर 5200 है और आपका सी का शेयर अगर 3000 है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, है ना। देखो बहुत आसान सा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1/4 है और 1/3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो अगर तुम टोटल इन्वेस्टमेंट को 12 मान लो, तो ए ने 3 इन्वेस्ट किया, बी ने तुम्हारा कितना इन्वेस्ट किया 4, और बचा हुआ यहाँ पे 5 सी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई। यहाँ पे एलसीएम मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट को 4 एंड 3 का एलसीएम मान लो 12, तो 1/4 इंटू 12 3, 1/3 इंटू 12 4, और बचा हुआ पैसा सी ने इन्वेस्ट किया। अब देखो टाइम का रेशियो, टाइम ए ने 1/x टाइम के लिए किया, बी ने आपका 2/x टाइम के लिए किया, और सी ने कंप्लीट टाइम के लिए किया, सी ने कंप्लीट टाइम के लिए किया। तो मैं अगर मान लू कंप्लीट टाइम अगर x है, तो बी ने 2 के लिए किया और ए ने 1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने क्या मान लिया, मैंने होल टाइम को ही x मान लिया, मैंने बोला होल टाइम अगर x मानू, तो यहाँ पे सी ने होल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 2/x, तो 2/x इंटू x कितना आएगा 2, ए ने 1/x, यानी 1/x इंटू x कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 1 के लिए। तो यहां से आपका ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ही प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 3:8:5x, ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो, ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब सी की प्रॉफिट 3000 है, यानी 5x ऑफ 11 प्लस 5x ऑफ 5200, ये वैल्यू आपको दी हुई है 3000 के बराबर, ठीक है। ये आपका टोटल प्रॉफिट है ना, इनको ऐड कर दोगे तो ये टोटल प्रॉफिट है, इनको अगर ऐड कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे 11 प्लस 5x ये क्या आएगा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट, ये क्या आएगा तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आएगा ना, टोटल प्रॉफिट, और उसका 5x पार्ट, 5x ऑफ 11 अपॉन 5x, टोटल प्रॉफिट कितना है 5200, तो 5x की वैल्यू निकालनी है सी की, तो 5x अपॉन टोटल प्रॉफिट इंटू 5200 सी वाले के प्रॉफिट के बराबर आना चाहिए, 3000 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये काट दो, 5 से ये गया 6 बार, 6 से ये गया 6 का नम 6, 6 दूनी 12 बार, ये आएगा 12x के बराबर, ये आएगा 11 प्लस 5x के बराबर, यहां से कितना आएगा 7x, नहीं 5x, 8 3 11, नहीं नहीं अरे ये गलत काट रहा ना मैं यहां पे, ठीक है ये 12 बार थोड़ी कटेगा,
ये 5 इसको 6 बार काटा, ठीक है, और यहाँ पे अब काट दो 3 बार, और ये तुम्हारा 26 दूना 52 होता है, 26 बार जाएगा, तो ये 26x होगा, और ये तुम्हारा 33 आएगा, और ये 15x होगा, 15x, 26 में 15 घटाओगे आएगा 11x, और ये बराबर 33, यानी x का मान आ जाएगा 3 के बराबर। x का मान कितना आएगा 3 के बराबर, या कह सकते हो 3 साल के लिए, x का मान कितना आएगा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, जितने भी समय के लिए, तो x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। तो कुछ नहीं करना था, 5x का वैल्यू निकालना था, टोटल 5x अपॉन टोटल इनटू 5200 3000 के बराबर है, बस इतना देखना था आपको। यहाँ पे रेशियो निकालना था, वो रेशियो इंपॉर्टेंट था, टाइम का रेशियो क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या लेना है, वो निकालना था, बाकी ये ओवरऑल क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बोला था टू नंबर आर एंड एस आर डिवाइडेड बाई 17 लीव्स रिमाइंडर 7 and 13। आर को 17 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपका 7 आ रहा है, एस को आपका 17 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आपका 13 आ रहा है। बोला अगर इनको व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर प्लस एस इज डिवाइडेड बाय 17, अगर आर और एस को डिवाइड किया गया, आर प्लस एस को डिवाइड किया गया 17 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 7 और 13 था, तो यहाँ पे 7 और 13 को जोड़ दो, और 17 से बड़ा है तो फिर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो यहां से जो नया रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा 3 के बराबर। नया रिमाइंडर कितना आएगा 3 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आया ना यहाँ पे 7 और 13, तो इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आता है 20, और ये 20 जो है 17 से बड़ा है, कितना बड़ा है 3 बड़ा है, तो यही आपका रिमाइंडर होगा, 17 × 17 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक है, 3 आपका शेषफल बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एडीसी, ये वाला आपका सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवाल है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड आपका ये आसान सा सवाल है। बोला इन ट्रायंगल एडीसी पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन साइड एडी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच दैट पीक्यू इज पैरेलल टू डीसी, सच दैट पीक्यू इज पैरेलल टू डीसी। एपी 7 सेंटीमीटर है, पीक्यू 8 सेंटीमीटर है, एंड डीसी 12 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ पीडी, है ना, पीडी लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा। देखो ये ट्रायंगल है एडीसी, ये ट्रायंगल कितना है तुम्हारा ए ट्रायंगल, डी ट्रायंगल और सी ट्रायंगल, उसमें PQ दो पॉइंट बोला है जो कि आपके कैसे पॉइंट है, पैरेलल बनाते हैं DC को, है ना, दो पॉइंट है जो DC के पैरेलल है। AP की लेंथ तुम्हारी 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, PQ की लेंथ तुम्हारी 8 दी थी, DC की लेंथ तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में, और तुमसे पूछा है PD की लेंथ कितनी होगी, PD की लेंथ तुम्हारी कितनी होगी, ये तुमसे पूछा है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे अगर देखो ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, आपको पता है, और ये कॉमन एंगल है, यानी छोटा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल एपीडी एपीक्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एडीसी के, यानी कि इनका रेशियो बराबर होगा, पीक्यू का रेशियो डीसी से ये बराबर होगा एपी रेशियो एडी के, ठीक है। तो पीक्यू है 8, डीसी है 12, एपी है तुम्हारा 7, और तुम्हें एडी निकाल देना है, एडी तो यहाँ से कितना आएगा, ये 4 × 2 = 8 आएगा, 4 × 3 = 12 आएगा, और 2 से ये 3.5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD की वैल्यू आ गई 3 × 3 = 9 × 5 = 15, कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू अगर 10.5 सेंटीमीटर है और ये 7 है, तो X की वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर की, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी PD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये AD आपका आया ना 10.5, और AP ऑलरेडी 7 दिया है, यानी PD की वैल्यू 10 − 10.5 − 7 3.5 आपकी आ जाएगी। और आखिरी सवाल, ये आपका फ्री लाइव मॉक का आखिरी सवाल, कंसीडर द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कंसीडर द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल DAB इज 40 degree, ये एंगल आपका 40 degree दिया है, इफ AB इज पैरेलल टू CD, बोला है ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो आपको बताना है एंगल सी ई डी का मेजरमेंट कितना होगा, ये वाले एंगल सी ई डी का आपको मेजरमेंट बताना है, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में आपकी यहाँ पे पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये आपकी पैरेलल लाइंस यहाँ पे दी हुई है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, आसान सा सवाल हो गया ना भाई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी ये बचा हुआ एंगल 100 हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया तो ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 50,
और अगर ये एंगल 50 है तो उसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं पी, तो यहाँ पे पी सी डी और ई क्या है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एंगल पी आपका 50 डिग्री है तो एंगल ई आपका कितना हो जाएगा 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी सिंपल सा सवाल था, बस यहाँ पे देखना था पैरेलल है तो ये 40 है तो इधर ये 40 आ जाएगा। पैरेलल लाइंस में तुम्हें पता है ना, पैरेलल लाइंस अगर मैं ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। फिर ये रेडियस है तो ये भी 40 होगा, यानी यहाँ पे सेंटर पे 100 बनेगा। और आपको पता है कि अगर कॉर्ड सी डी सेंटर पे एंगल 100 बना रही है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल हाफ बनाएंगी। सेंटर पे अगर 100 है तो सर्कमफेरेंस पे 50, और अगर ये 50 है तो सामने वाला एंगल 130 होगा, क्योंकि पी सी ई डी, ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना, आमने सामने के एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री के बराबर। क्लियर? चलिए, तो सारे सवाल हो गए, सारे 25 सवाल कैसे आपको करने थे जल्दी से जल्दी, सारी चीजें मैंने बता दी। क्लियर है गाइज? एक और इम्पॉर्टेंट बात, एसएससी सीजीएल के साथ अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फेज 1 और फेज 2 के लिए, स्पेशली डिपो और जनरल पोस्ट, दो आपकी जो पोस्ट है ग्रेजुएशन पोस्ट, डिपो और जनरल, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑली बोर्ड लेकर के आया फुल कोर्स, यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी दोनों फेज की, 150 से ज्यादा घंटे की क्लासेस, मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। आप यहाँ पे इस बैच को पूरे 45% के डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड सौरभ, कोड यूज करिए आप सौरभ, और यहाँ पे पूरे 45% का डिस्काउंट FCI AG3 बैच में आपको मिलेगा। और आप मेरे से अगर पढ़ना चाहते हैं अपना SSC CGL, तो मैं बहुत शानदार तरीके से पूरा फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पे बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑली बोर्ड का SSC CGL 2022 का ऑली बोर्ड का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। आप इस बैच को सौरभ कोड यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ एनरोलमेंट ले सकते हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपका इसी कोड पे मिलेगा, सौरभ लगा देना वहां पे डिस्काउंट, रिडीम कर लेना कोड सौरभ, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको SSC CGL के बैच में मिलेगा। इसमें जो मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका सौरभ, और बहुत अच्छे लेवल में आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, एकदम मेंस लेवल तक की तैयारी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी करा दूं इसी फाउंडेशन बैच में, और बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। आप मेरे को इन सारी क्लासेस की PDF के लिए साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हो, और इसका जो नाम है ग्रुप का वो मिलेगा मैथ्स एंड साइंस बाई सौरभ सर के नाम से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।